नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जनाई। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। वडोदरा शहर में बेटियों पर हो रहे दुष्कर्म के सामने अधिक से अधिक सख्त कार्यवाही करने की मांग के साथ वडोदरा शहर की महिला कांग्रेस द्वारा पुलिस को दिया गया आवेदन। वडोदरा शहर नवलखी दुष्कर्म कांड से हाल ही में चर्चा में रहा है और पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। तभी अभी रक्षक ही भक्षक बनकर हैवानियत पर उतर आया है, वैसे ही गौरकुआ रोड लक्ष्मीपुरा पुलिस मथक के PCR 1 के ड्राइवर द्वारा एक युवती के साथ कुछ स्टा का केस सामने आया है और साथ ही साथ में एक स्कूल वन चलाने वाले ड्राइवर ने भी छोटी बच्चियों के साथ कुछ स्टा की यह खबर सामने आई है। तो इसी के साथ महिला कांग्रेस द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि CCTV की मांग के साथ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की गई है। મારી બેન છે સબજી, મેં ખુદ પ્રેગ્નન્ટ છું અને મારે એકલી ધક્કા ખાવાના થતા હોય છે। આજે 3 દિવસ થયા છે, હજુ સુધી કશું એ મળ્યું નથી। એમને સજા તો એટલે મતલબ એ પકડાઈ તો ગયા જ છે, પોલીસવાળા પણ સારું જ કામ કરી રહ્યા છે। રંજનબેન પણ અમારી જોડે જ છે સતત 3 દિવસથી, અને આ કમિશનર સાહેબને એટલું જ કહેવું કે જેટલું સારું ન્યાય મળે અમને એટલો સારો ન્યાય મને મળે।